जोहार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अखिल डहार में आपका स्वागत है। आज 17 जून 2021 प्रभात खबर में छपे न्यूज के अनुसार पंचायत सचिव नियुक्ति संबंधित न्यूज पेपर में आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि मेधा सूची तैयार, जारी होने में पेज। आइए देखते हैं क्या है मामला। पंचायत सचिव व लिपिक पद पर नियुक्ति का मामला है। पंचायत सचिव व लिपिक पद पर नियुक्ति का 3,088 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 में शुरू हुई थी चयन प्रक्रिया। सितंबर 2019 में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का हो चुका है सत्यापन। कर्मचारी चयन आयोग को राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने का है इंतजार। चलिए अब हम लोग विस्तार से देखते हैं। संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय पंचायत सचिव व निम्नवर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। 3,088 पदों के लिए शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सितंबर 2019 में अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद 20 माह से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अंतिम मेधा सूची अभी भी प्रकाशित नहीं की गई है। आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची लगभग तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण इसका प्रकाशन नहीं हो पाया है। बताया गया कि यदि सरकार का परामर्श मिल जाए तो कुछ ही दिनों में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित हो सकती है। जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से राज्य सरकार को अंतिम मेधा सूची प्रकाशन को लेकर 7 बार पत्र भेजकर परामर्श मांगा गया। सरकार के क्रामिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग से अंतिम मेधा सूची प्रकाशन पर कोई परामर्श नहीं दिया गया है। चलिए अब लोग हम लोग पेज नंबर 15 में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कि हालांकि कार्मिक की ओर से फरवरी 2021 में आयोग को पत्र भेजकर परीक्षा संबंधी कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, तब से आयोग में परीक्षा फल तैयार करने या परीक्षा फल प्रकाशन से संबंधित सभी कार्य स्थगित हो गए हैं। तार्किक आदेश निकाले 4.5 माह गुजर गए। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन को लेकर आयोग द्वारा 25 जनवरी तथा 25 फरवरी 2021 को तार्किक आदेश जारी किया गया था। तार्किक आदेश जारी हुए भी 4.5 माह गुजर गया। तार्किक आदेश में आयोग ने संयुक्त मेधा सूची प्रकाशित करने की बात कही है। तार्किक आदेश की खंडिका 9 में कहा है कि विज्ञापन के शर्तों, नियमावली व विषय वस्तु को आच्छादित करते न्याय निर्णयों का संज्ञान लेते हुए आरक्षण कोटिवार मेधा सूची सह विकल्प को अक्षुण्ण रखते हुए भी विकल्पों का परीक्षण कर परीक्षाफल गठित व प्रकाशित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह के अंदर तार्किक आदेश निकालकर अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अभ्यर्थी संयुक्त मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं क्या है। नाराज हैं अभ्यर्थी, जो लाजमी है। सरकार व आयोग के अधिकारियों की कार्यशैली में हजारों अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं। वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध व नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि अंतिम मेधा सूची तैयार कर ली गई है, उसका प्रकाशन नहीं कर हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है, जो सही भी लगता है। 3-4 साल तक इंतजार करना बहुत बड़ी बात है। आई होप कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, ताकि जो अभ्यर्थी इतना दिनों से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार ख़त्म हो और वे अपने लाइफ में आगे बढ़ें।